सिरोंज नगर के केथन डैम में बहुत ही कम मात्रा में पानी बचा है। राष्ट्राचल की टीम ने डैम की भूमि में जाकर देखा कि पानी अधिकांश हिस्सों में सूख गया है। लगभग 5% जगह पर ही पानी देखा गया है। सिरोंज नगर में पानी पीने की सप्लाई इसी डैम से होती है। राष्ट्राचल चैनल के माध्यम से नागरिकों से अपील की जाती है कि पानी व्यर्थ न फैलाएं, पानी का संरक्षण करें, जिससे नागरिकों को आने वाले समय में पीने के पानी की समस्या न हो। सिंचाई विभाग को भी एक वर्ष के पानी बचा कर रखना चाहिए, या तो नहर में जो पानी छोड़ा जाता है फसल के लिए वे काफी व्यर्थ बहता है। 2 से 3 महीने तक नहर चलती है, उसमें बड़ी मात्रा में पानी व्यर्थ फैलता है, उसकी भी देखरेख की जाए। डैम का गहरीकरण कराया जाए या बांध के पार की ऊंचाई बढ़ाई जाए, जिससे पानी डैम में अधिक मात्रा में ठहर सके। आज हम फिर सिरोंज शहर के केथन डैम में खड़े हुए हैं, और जैसा कि आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा कि डैम के एक कोने में पानी बचा हुआ है और लगभग 90-95% सिरोंज केथन डैम सूख चुका है, क्योंकि इसी डैम से सिरोंज के पानी की सप्लाई होती है और पूरा सिरोंज में जो भी पानी जाता है पीने के लिए नलों के माध्यम से, तो वो इसी डैम के से जाता है। इसलिए एक बार पुनः मैं सिरोंज नगर वासियों से ये अपील करूँगा कि पानी व्यर्थ न बहाएं और पानी का संरक्षण करें और कम से कम पानी खर्च करें, क्योंकि अभी मानसून भी आने वाला है। मानसून आने के बाद भी लगभग 20 से 25 दिन लगते हैं, तब जाके डैम में पानी भरता है। इसलिए अभी भी सिरोंज नगर के कई ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ की जनता को, आम जन को बहुत परेशानी हो रही है। टैंकरों से पानी जा रहा है उनके घरों में और 2-3 दिन कई जगहों पर नल नहीं आ रहा। इसलिए जहाँ पर नल आ रहा है, जिनके घरों में पानी आ रहा है, वे भी सिरोंज के अन्य वासियों का ध्यान रखें और पानी का संरक्षण करें, पानी को व्यर्थ न बहाएं। ऐसे में अपील करता हूँ, साथ में सिंचाई विभाग के जो भी अधिकारी हैं उनसे भी ये मैं अपेक्षा करता हूँ कि आने वाले समय के लिए इस डैम का, जैसा कि जनता की मांग है, कि कुछ जहाँ पर हो सकता हो गहरीकरण की प्लानिंग बनाएं, या ऐसी प्लानिंग बनाएं कि यदि किसी वर्ष बारिश कम हो तो कम से कम 1 साल का पानी स्टोरेज रहे, ना कि महीनों तक जो नहर के माध्यम से डैम का पानी फेंका जाता है। कृषि के इस्तेमाल के लिए भी डैम का पानी जाता है कई गांवों में, लेकिन देखने में ऐसा आया है कि डैम का पानी लगभग 3 माह तक नहर के माध्यम से खेती का काम बंद होने के बाद भी फेंकता रहता है, डैम खाली होता रहता है। उसी के कारण आज हम देख रहे हैं कि सिरोंज का पूरा डैम सूख चुका है और बिल्कुल डैम ख़त्म की ओर कगार पर है। इसलिए मैं सिंचाई विभाग के अधिकारियों से, नगरपालिका के अधिकारी कर्मचारियों से भी ये अपेक्षा करता हूँ कि इस डैम का पानी का जनता के सहयोग से संरक्षण, 1 साल का पानी कम से कम बचा कर चलें, जिससे अगर किसी वर्ष बरसात कम हो तो सिरोंज के डैम में इतना पानी रहे कि सिरोंज की जनता प्यासी न रहे, सिरोंज में पानी रहे। मैं जफर खान, राष्ट्र आजकल, सिरोंज से विदिशा दिला बीरो। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।